पन्ना जिले के गेहूं खरीदी केंद्र सुनवानी कला में भारी बारिश में खुले आसमान के नीचे पड़ा 9 क्विंटल गेहूं भीग गया है। केंद्र प्रभारी जमुना प्रसाद राय से पूछा गया कि माल का परिवहन क्यों नहीं हो रहा, तो उनके द्वारा लापरवाही भरा जवाब दिया गया। बताया गया कि प्रशासनिक परिवहन ठेकेदार को कई बार फोन पर सूचना दी गई, फिर भी उनके द्वारा गेहूं का परिवहन नहीं किया गया। इसी वजह से सुनवानी कला में खुले में गेहूं भीग रहा है। जब तक गेहूं का परिवहन नहीं होगा तब तक किसानों को उनका पैसा नहीं मिलेगा। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। अमित कुमार जी, सुनवानी कला जी, बताएं कि जो माल खराब हो रहा है जी, कि किसकी वजह से माल खराब हो रहा है? माल परिवहन की जानकारी दी गई ठेकेदार को, ठेकेदार द्वारा गाड़ी नहीं भेजी, इससे माल खराब हो गया। कितनी बोरी होंगी यहाँ? लगभग 1200। क्या किसानों का पैसा उनके खातों में आएगा? जब तक माल का परिवहन नहीं होगा तब तक किसानों का पैसा उनके खाते में नहीं आएगा। अपना नाम बताएं। जमुना प्रसाद राय, समिति सुनवानी कला। केंद्र प्रभारी हैं जी। आपने यहाँ कितना माल पड़ा है? 9000 क्विंटल पड़ा है जी। क्यों खराब हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ठेकेदार को 4-5 दिन से फ़ोन लगा रहा है, वो बार बार कह रहा है ठेला भेज रहे, वो नहीं भेज रहे हैं, परिवहन नहीं हो रहा पड़ा, इसलिए ठेकेदार की वजह से यहाँ माल खराब हो रहा है। इस वजह से क्या किसानों का पैसा उनके खातों में आएगा? अब जी सरकार जाने आ रहा है, नहीं ठीक माल भर गया, जब किसान का खाता पैसा आएगा तो जब भी माल का परिवहन हुआ तभी पैसा उनके आएंगे। यहाँ भारी संख्या में डेली किसान आ रहे हैं, उनको बहुत समस्या हो रही है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या ऊपर से क्या दिक्कत है? ऊपर से दिक्कत ये है सर कि यहाँ पर जो हमारे समित तारा जरकुआ में खरीदी हुई है, 20 तारीख से परिवहन नहीं हुआ है, कोई भी ट्रक यहाँ पर नहीं आते हैं, ऊपर फोन लगाते हैं तो बस एक जवाब आता है कि अभी आदेश नहीं आया है, जब आदेश आ जाएगा तो हम परिवहन करवाएंगे। और डेली से उनका मतलब पैसा रुका हुआ है और डेली पानी का मौसम बन रहा है और भींग रहा है, इसके बारे में आपने बताया अधिकारी? सर हमने लिखित में भी कई बार आवेदन दिए हैं, मौके से भी फ़ोन लगा कर भी हमने ट्रांसपोर्ट वालों को फ़ोन लगाया, DM साहब को भी फ़ोन लगाया, लेकिन हमारी कोई सुना ही नहीं रहा है जी। जी जब आज जो पथरिया 15-20 ट्रक गए हैं, उनके भी ऑनलाइन ट्रक शो नहीं हो रहे हैं, इस कारण उनके भी पैसा रुके हुए हैं जी। आप ही का परिवहन नहीं हो रहा कि और कहीं कहीं हो रहा है, इस बारे में आपने बात की? नहीं, ज़्यादातर तो हमारे यहाँ का ही है, हालांकि आसपास की सोसाइटियों में काफ़ी परिवहन हो चुका है जी जी, लेकिन हमारे यहाँ का 40% ही परिवहन हुआ है। आपका नाम? श्री अमृतलाल कुशवाहा। किस पद पर पदस्थ हैं आप यहाँ पे? कंप्यूटर ऑपरेटर तारागढ़ जी। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।